ऑलराइट, तो आज की वीडियो के अंदर हम जो है गेमिंग टेस्ट करने वाले हैं टेक्नो कैमन 17 का। ये फ़ोन जो है 25,000 रुपये की प्राइस के अंदर लॉन्च किया गया है, लेकिन ये आपको 2-3,000 रुपये के डिस्काउंट के साथ ऑफलाइन मार्केट में मिल जाता है। और इसके अंदर जो प्रोसेसर लगाया गया है वो है हीलियो G85। तो मैंने सोचा इसका गेमिंग टेस्ट किया जाए, और ये फ़ोन जब आ गया है तो अगर आप इसका कैमरा टेस्ट या इसका फुल रिव्यू वगैरह देखना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। मैं इसका फुल रिव्यू भी कर दूंगा और उसका कैमरा टेस्ट वगैरह भी कर दूंगा। स्पीकर क्वालिटी भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, सिंगल स्पीकर दिया हुआ है यहाँ पर नीचे वाली साइड के ऊपर, बाकी कोई और स्पीकर नहीं है यहाँ पर। गेम तो हमारी स्टार्ट हो चुकी है, स्पीकर मतलब काफ़ी सही है वैसे सिंगल स्पीकर के हिसाब से। खैर, यहाँ पर जो है हम चार्जिंग को अगर देख लें तो चार्जिंग जो है हमारे पास हो रही है 65% चार्जिंग हो रही है, और जो टाइम है 10:39 हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कितने टाइम हम गेमिंग करते हैं, 10:39 और जो चार्जिंग है वो 65%। और अगर इस फ़ोन के अगर हम ग्राफिक्स को देखें तो एक सेकेंड सेटिंग में जाएंगे, और अच्छा पहले यहाँ पर आपको जायरोस्कोप का बताया, तो इस फ़ोन के अंदर जायरोस्कोप नहीं है और ये सबसे इसका बड़ा डिसएडवांटेज है। तो अगर आप एक जायरो प्लेयर है तो इस फ़ोन से आपने 6 फीट दूर रहना है फिर। और ग्राफिक्स जो है ये स्मूथ के साथ यहाँ पर अल्ट्रा सपोर्ट करता है, स्मूथ के साथ अल्ट्रा सपोर्ट करता है, बैलेंस के साथ भी अल्ट्रा सपोर्ट करता है, HD के साथ हाई, और HDR का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो हम स्मूथ के साथ अल्ट्रा खेलेंगे जो कि 40 FPS होता है आपका। यहाँ पर जो है हम TDM चला लेते हैं और उसके बाद दूसरे मैच पर भी हम खेलेंगे। एक एम तो VIP चल रहा है। भाई यार ATM AKM क्या वाला, अच्छा ये गन्स, मैं गन ही ढूंढ रहा था क्योंकि मैं कुछ टाइम बात खेल रहा हूँ, और ये मेरी M4 आ गई। कहाँ गए लोग, अबे इतनी दूर से मार दिया। अच्छा जो पिंग है वहाँ यहाँ पर 20 आ रही है, अगर आपको दिख रही हो ना 20 की पिंग आ रही है, इंटरनेट कनेक्शन मतलब काफ़ी सही है, और वाईफाई से खेल रहा हूँ मैं। अबे अबे फील गया अभी थोड़ा सा अबे। चलो अब घुस के मारते हैं। अबे अबे कौन मार रहा है साले।
फ्यूल 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 टीम तो अपनी अच्छी जा रही है लेकिन हमारे बंदे नहीं खेल रहे। एकेएम से दूर का रिकॉइल कंट्रोल थोड़ा सा मुश्किल है यार वैसे। ठीक है ऊपर चढ़ चढ़ के मारते हैं ना। अबे तेरी खैर कहाँ से आया बॉम्ब। अबे हमारे पास ये बॉम्ब है ना, एक सेकंड, या तो अपनों पे लगेगा या तो किसी और पे लगेगा, किसी पे भी नहीं लगा। एक तो मारे एक हम मारेंगे। ये मेरा 18 किलो हो गया, वाह 2 किल 39 है। चलो भाई हमारी एक गेम कंप्लीट हो गई है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी इस फ़ोन ने यार। पिंग वगैरह का भी कोई इशू नहीं आया और लेग वगैरह भी कोई इशू नहीं आया। बाकी जो हम मैप खेलते हैं तो आप देखें, आप इसका फ़ोन का सही से पता चलेगा, लेकिन अगर आप TDM वगैरह खेलते हैं तो VIP रिजल्ट है। हाँ भाई हमने जो है लिविक मैप लगा लिया है और एक ये तो लोग शोर कर रहे हैं बहुत। खैर लिविक मैप हम खेलते हैं क्योंकि यार छोटा सा मैप है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा और परफॉर्मेंस भी पता चल जाएगी। और यहाँ पर मिडस्टर्न में जा रहा हूँ तो मिडस्टर्न लोग भी ज़्यादा उतरते हैं, या तो हम जल्दी मर जाएंगे या तो सर्वाइव कर लेंगे। ये एक बंदा नीचे है, अल्लाह खैर करे यार। यहाँ पे लोग ना जल्दी मार देते हैं, मसला ये है। और अब मेरी इतनी प्रैक्टिस होती नहीं है क्योंकि मैं पहले तो खैर बहुत खेलता था, अब तो जब फ़ोन की टेस्टिंग करनी होती है जब भी मौका मिलता है खेलने का। तो यहाँ पर भी हमारे पास 20 पिंग आ रही है, अगर दिख रहा हो ना आपको। और एक तो मैंने हैंड फ्री लगाई हुई तो मुझे आइडिया नहीं लग रहा कि लोग है कहाँ हैं। ये इस तरफ कोई है, वो रोड पे लोग लगे हुए हैं। अगर मेरे यहाँ से पता नहीं निशाना पहुँचेगा भी नहीं पहुँचेगा। ये बोट ही है मेरे ख्याल से, या पता नहीं लोग है क्या है। चलो भाई एक बोट तो मार दिया हमने, बोट मास्टर 69। तो यहाँ पे बंदा है बे, है कहाँ भाई? अच्छा घर में। भाई वेयर आर यू? बे एक तो मैं अकेला हूँ, समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ। अबे खैर यार लिविक में तो खैर हम यूँ ही मर गए। और आई थिंक यहाँ पर जो है अभी हम टेस्ट जो है कंप्लीट कर लेते हैं। परफॉर्मेंस सही है, अगर लिविक के अंदर बंदे उतरे थे, 3-4 बंदे होते थे उतरे थे तो मसला नहीं था। और इस प्राइस पॉइंट को अगर आप देखें ना तो ये फ़ोन जो है आपको अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने वाला है, जितनी आप एक्सपेक्ट करते हैं G85 से। G80 से थोड़ा सा बेटर प्रोसेसर है लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो मतलब 40 FPS की आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा, और आपके इंटरनेट वगैरह के ऊपर भी डिपेंड करता है। और उसके अलावा जो फ़ोन है उसने हीट भी किया है, यहाँ पर
हीट मीटर तो खैर मेरे पास नहीं है, लेकिन फ़ोन जो है हीट कर रहा है, और मैंने सुना है कि इसके अंदर अपडेट आती है तो अपडेट के बाद जो है इसका हीटिंग इशू ख़त्म हो जाता है, लेकिन आई डोंट नो क्योंकि अभी तक तो ये खैर मैंने बॉक्स से जब मेरे पास आया तो यहाँ पर कोई अपडेट वगैरह का सीन नहीं था। मैं यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर का सीन दिखाता हूँ कि फिलहाल मेरे पास ये वाला सॉफ्टवेयर इसके अंदर चल रहा है, ये iOS 7.6.0 ये चल रहा है, और इस वाले ये जो सॉफ्टवेयर अपडेट है इसके बाद अगली आएगी नहीं आएगी आई डोंट नो, लेकिन इस वाले के ऊपर जो ये फ़ोन हीट कर रहा है। खैर गर्मी का मौसम है, कोई भी फ़ोन हीट कर लेगा, लेकिन सोचा आपको आप लोगों को बता दूं। बाकी अगर आप ये फ़ोन गेमिंग के लिए कंसीडर करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, इस प्राइस के हिसाब से GA T5 आपको प्रोवाइड कर रहा है। और आज के लिए इतना ही, अगर इस फ़ोन से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।